नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ईड़ा सर्ग की व्याख्या का अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल पर एक कमल खिल उठा सुनहरा भर पराग, जिसके एक परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग। पूर्व दिशा में सुंदर लाली फैल गई, जिसके आलोक मंडल में अपनी सुनहली पीली किरणों की रोशनी भरे हुए सूर्य निकल आया, जो खिले हुए पराग से युक्त कमल की तरह था। जिस तरह से पराग कणों से सुगंध से व्याकुल होकर भंवरे गुंजार करते हैं, उसी तरह से सूर्य की किरणों के प्रकाश से जागृत होकर पक्षी भी चहचहाने लगे। आलोक रश्मि से बुने ऊषा अंचल में आंदोलित अमंग कर्ता प्रभात का मधुर पवन सब ओर बितरने को मरंद। उसी प्रकाश की किरणों से बुनी सुबह के अंचल तीव्र गति से आंदोलित हो उठा, मतलब सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल गया। प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित पवन सब ओर फूलों का रस बांटने लगी। उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला हो वह नयन महोत्सव का प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा मंडल सुस्मित सा बिखरा संस्कृति का सुराग, सोया जीवन का तम विराग। प्रकृति की उसी चित्र जो सुंदर चित्र पट पर एक नए चित्र की तरह एक युवती प्रकट हुई, जिसका सौंदर्य साक्षात नेत्रों को महोत्सव सा प्रतीक हो रहा था, खिले हुए कमल की नूतन माला की तरह लग रहा था। मुस्कुराती हुई वह युवती का सुंदर मुखमंडल संपूर्ण सृष्टि में प्रेम की वर्षा करता हुआ मानो जीवन के वैराग्य रूपी अंधकार को सुला देता हो, अर्थात उस युवती के सौंदर्य को देखकर वैराग्य का भाव समाप्त हो जाता था और आसक्ति जाग उठती थी। बिखली अलके जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदस था स्पष्ट भाल, दो पद्म पलास चषक से द्रग देते अनुराग विराग ढाल। ईड़ा के सौंदर्य का वर्णन आगे करते हुए कवि कहता है कि उसकी घुंघराली केस राशि उसके माथे पर ऐसे बिखरी हुई थी जैसे तर्कों का जाल बिछा हो। उसका माथा स्वच्छंद चंद्राकार तेजस्वी तथा संसार के मुकुट की तरह लगता था। उसके नेत्र कमल पत्र के बने हुए दो मधु के प्याले लगते थे, जो प्रेम और वैराग्य दोनों छलकाते थे। गुंजरित मधु के मृदु मुकुल सदस वह आनंद जिसमें भरा गान वक्षस्थल पर एकत्र धरे संतत के सब विज्ञान ज्ञान। उसका मुख अध किले कमल की तरह से था, जिसमें भवरों के गुंजार की संगीतात्मक आवाज निकलती थी। उसके वक्षस्थल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ने संसार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्र कर रख लिया हो। था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अविलंब दिए। उसके एक हाथ में कर्म रूपी कलश था जिसने पृथ्वी और जीवन का आनंद तत्व भरा हुआ सा लगता था, और दूसरा हाथ ऐसा लगता था जैसे विचारों के आकाश को सुंदर और निर्भय सहारा दिए हुए हो। त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल, चरणों में थी गति भरी ताल। उसके उदर में तीन रेखाएं जीवन के रज सत रज और तम गुणों से आंदोलित थीं। उसका श्वेत वस्त्र उसके शरीर में कुछ तिरछा सा लिपटा हुआ था, और उसके चरणों की जो संगीत थी वो संगीत की उसके पैरों में उसके चरणों में संगीत की गति भरी हुई थी। नीरव थी प्राणों की पुकार, मूर्छित जीवन सर निस्तरंग निहार घिर रहा था अपार, निस्तब्ध अलस बनकर सोई चलती न रही चंचल बयार। ईड़ा को देखने से पहले मनुष्य
ईड़ा को देखने से पहले मनु की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय की सारी व्याकुलता शांत हो गई, जीवन सरोवर शांत और लहरें इच्छाओं से रहित हो गईं, उनके चारों ओर जड़ता का कोहरा छाया हुआ था, शांति आलस्य बनकर सोई हुई थी, अब उसके हृदय में विचारों की कोई हवा नहीं चल रही थी। पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी मध बूंदे मधुर मौन, निस्वन दिगंत हो रहे रुद्ध, सहसा बोले मनु अरे कौन, आलोकमयी स्मित चेतना आई वह यह हेमवती छाया। उनका मन अधखिला कमल उनके मन रूपी अधखिला कमल अपने आप मकरंद का पान कर रहा था, मतलब वे अपनी ही भावनाओं में डूबे हुए थे। शब्दहीन दिशाओं के बीच में अभी तक मौन मनु अचानक बोले, अरे यह कौन है, क्या प्रकाशवती मुस्कान भरी चेतना अपनी सुनहरी आभा फैलाती हुई आ गई। तंद्रा के स्वप्न त्रोहित थे, बिखरी केवल उजली माया, वैस्पर्श दुलार पुलक से भर, बीते युग को उठता पुकार, वीचियां नाचती बार बार। उस समय मनु के मन में सभी आलस्य दूर हो गए और चेतना के प्रकाश से उनका मन भर गया। ईड़ा को देखकर उनका मन श्रद्धा के प्रेम पूर्ण स्पर्श दुलार और रोमांच का अनुभव करता हुआ स्मृतियों में खो गया और बार बार स्मृतियों की लहरों में डूबने और उतराने लगा। प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल, वह बोली मैं हूँ ईड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल। ईड़ा अपनी सहज प्रतिभा से प्रसन्न मुख को खोलती हुई बोली कि मेरा नाम तो ईड़ा है, आप बतलाओ कि आप कौन हो। नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे स्मित अमोल, मनु मेरा नाम सुनो बाले, मैं विश्व पथिक से रहा क्लेश। ईड़ा की नुकीली कान के पास से जब उसके दोनों पतले होंठ फड़क रहे थे जिनसे अनुपम हंसी फूट रही थी, मनु बोले, युवती मेरा नाम मनु है और मैं संसार भर में भटकने वाला एक राहगीर हूँ। स्वागत पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश, भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूँ पड़ी इस आशा से आए दिन मेरा। ईड़ा कहती हैं, स्वागत है पर तुम इस उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश को देख रहे हो, यह मेरा यह प्रदेश भौतिक संपन्नता से विचलित हो उठा था जिसे प्रलय ने नष्ट कर दिया और मैं इस आशा में अब तक पड़ी हुई हूँ कि फिर कोई कहीं से समृद्धि के दिन वापस लौट आए। मैं तो आया हूँ देवी बता दो, जीवन का क्या है सहज मोल, भव के भविष्य का द्वार खोल। मन बोले, हे देवी मैं तो इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुझको ये बतला दो कि जीवन के वास्तविक मूल्य और उद्देश्य क्या हैं, मुझे इस संसार के भविष्य के बारे में पूरी तरह से बतला दो। इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रच कर फैलाया है, ग्रह तारा विद्युत नखतमाल, सागर की भीषण तम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल। मनु कहते हैं कि अंतरिक्ष में अपना जादू फैलाकर जिसने ग्रह तारे बिजली और नक्षत्र आदि सारे चीज़ों की रचना की है, वह महाकाल सिद्ध तत्व समुद्र रूपी भयानक लहरों की तरह लीला कर रहा है। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत, वह निष्ठुर की रचना करो कठोर, केवल विनाश की रही जीत। तो क्या उस कठोर महाशक्ति ने संसार के छोटे छोटे प्राणियों को भयभीत करने और उनका विनाश करने के लिए ही संसार का निर्माण किया है? तब
मूर्ख आज तक क्यों समझ रहे सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका अधिपति होगा कोई जिस तक दुख की पुकार न पुकार गई। तो क्या फिर इस संसार के मूर्ख लोग इस नश्वर संसार के निर्माण इस नश्वर संसार को निर्माण क्यों समझे हुए हैं? इस संसार का कोई ना कोई तो स्वामी होगा जिसके पास तक मेरे दुखों की पुकार नहीं पहुंची है। सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल, किसने यह पट है दिया डाल। सुख के घोंसलों को सदैव दुख का घेरा घेरे रहता है, मतलब इसमें इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी है और ये दुख का किसने ये दुख का पर्दा डाल रखा है। सनिका सुदूर वह नील लोक जिसकी छाया में जिसकी छाया फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक। उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। मनु कहते हैं शनि नामक ग्रह का अंधकार, जो अंधकार से भरा हुआ सुदूर स्थान है जिसकी छाया बनकर नीला आकाश शोक बनकर फैला हुआ है, सुना जाता है कि उससे भी दूर कोई प्रकाश का भारी स्थान है। वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय, क्या बन सकता है नियत जाल से मुक्त दान का कर उपाय। क्या वह महान प्रकाश की शक्ति संपन्न ईश्वर अपनी मात्र एक किरण देकर मेरी स्वतंत्रता में सहायक बन सकते हैं? कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भय न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कोईड़ा बोली कि कोई भी सत्ता हो किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता, मनुष्य तो पागल बनकर किसी न किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी दुर्बलताओं को शक्ति बनाकर अपने जीवन के गंतव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। मत कर पसार निज पैरों चल, चलने की जिसको झोंक रहे उसको कब कोई रोक सके। मनुष्य को दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, उसे स्वावलंबी होना चाहिए और जो अपने संकल्प का पक्का है उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार कहे रहे उनका न दूसरा है उपाय। इड़ा आगे कहती हैं कि हे मनु तुम स्वयं अपने सहायक हो, कोई दूसरा नहीं है, अर्थात कोई दूसरा किसी की सहायता नहीं कर सकता है, मनुष्य अपना सहायक मात्र स्वयं ही है। मनुष्य यदि बुद्ध का कहना नहीं मानेगा तो वह फिर अपनी सहायता के लिए किसकी शरण में जाएगा। मनुष्य के जितने भी विचार और पारस्परिक संस्कार हैं उनके निदान का बुद्धि के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन तुम उसका पटल खेलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन। ये प्रकृति अत्यंत सुंदर और संपूर्ण वैभव से भरी हुई है पर इसके रहस्य को जानने वाला कोई नहीं है। तुम इसके रहस्यपूर्ण पर्दे को खोलने के लिए अपनी कमर कसकर तैयार हो जाओ और कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। सबका निन्मय शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता। सबके ऊपर अपना शासन और नियंत्रण करते हुए अपनी योग्यता बढ़ाते चलो, तुम ही इसके निर्णेता हो चाहे वो समता हो या फिर विषमता। तुम जड़ा को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय, यस अखिल लोक में रहे छाए। तुम अपनी बुद्धि से जड़ता में भी चेतनता पैदा कर दो और विषमता के लिए कुछ सहज उपाय
सुलभ हैं उनको कर उपयुक्त करो, इस तरह तुम्हारा यश संपूर्ण विश्व में छा जाएगा। जिसके भीतर बस कर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक, कितने हृदयों की मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। इड़ा की प्रेरणादायक वाणी सुनकर मनु सारस्वत नगर की व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। उस समय के वातावरण का मनु जब वर्णन करते हुए जो कवि हैं वो कहते हैं कि सारस्वत प्रदेश में जाने कितने जीवन बसकर उजड़ गए थे तथा मृत्यु शोक को प्राप्त हुए थे। ले लिया भार अपने सर पर मनु ने यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज। ना जाने कितने प्रेमी प्रेमियों के मधुर मिलन विरह के चकवा चकवी बनकर उस जगह पर जहां चित्कार रहे थे, आज इड़ा की प्रेरणा से मनु ने उस सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था का कठोर दायित्व अपने कंधों पर ले लिया और प्रसन्नता व्यक्त करती हुई पूर्व दिशा में ऊषा हंस पड़ी कि आज मनुष्य ने स्वयं अपने शासन का भार संभालने जा रहा है। चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मल मलयाचल की बाला लखलाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारादल मत वाला। दक्षिण दिशा से वायु इस आश्चर्य पूर्व को देखने के लिए चलने लगी। ऊषा के गालों की लाली से आसक्त होकर तारक दल मस्ती में झूमते हुए उनके ऊपर गिरने लगे, अर्थात सुबह का काल होने के कारण तारे डूबने लगे। उन्निंद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक झोंक, वसुधा विस्तृत थी सकल शोक। विकसित कमल में वन के भवरे आपस में छेड़छाड़ कर रहे थे और जो पृथ्वी थी वो अपने शोक को भूल गई थी। जीवन निशीत के अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार तुम इड़े उषा की आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। मनु प्रसन्न होकर इड़ा से बोले, हे इड़ा, आज तुमको देखकर मेरे जीवन के रात्रि की निराशा रूपी अंधकार अपना मुंह छिपा के क्षितिज की ओर भाग रहा है। तुम आज मेरे जीवन में कितनी उदार बनकर आई हो। कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव सोए विहंग, हस्ती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरणों की सी तरंग। अब निराशा का अंधकार में सोए हुए मेरे मन के भाव रूपी पक्षी प्रसन्नता के साथ चहचहाने लगे हैं और उनमें चेतनता आ गई है। सूर्य की किरणें लहरों की तरह प्रसन्नता उल्लास से भरकर अपने जीवन के समस्त विचारों और विश्वासों को छोड़कर आज मैंने तुम्हारे बुद्धिवाद को जीवन चहचाने लगे और उनमें चेतना आ गई है। इसके बाद ये पंक्ति मेरे ये हस्ती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरणों की सी तरंग। अवलम छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया मैं बढ़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन में की जीवन ही कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार। सूर्य की किरणों की लहरों की तरह प्रसन्नता उल्लास से भरकर अपने जीवन के समस्त विचारों और विश्वासों को छोड़कर आज मैंने तुम्हारे बुद्धिवाद को अपना लिया है। मुझको लगता है जैसे साक्षात बुद्धि ही मुझे मिल गई हो। मेरे मन के समस्त द्वंद आज दृढ़ निश्चय में बदल गए हैं और ये निश्चय ही जीवन के सतत कर्म हैं। इसी कर्म योग से जीवन के समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा अब मुझे विश्वास है। दोस्तों, तो ये था इड़ा सर्ग की व्याख्या का अंतिम वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे मैं ज़रूर से आपके लिए कोशिश करूँगी कि जो रामचरितमानस का उत्तर कांड है आपके, उसमें मैं उसकी व्याख्या आपके सामने लेकर आऊँ। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से आगे के वीडियोज़ तैयार करूँगी। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।